ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया का लक्ष्य भारतीय सेना को बेस्ट क्वालिटी का अफसर देना है। पूरे विश्व में सैन्य प्रशिक्षण में भारतीय सेना बेहतर है। ओटीए गया नेशनल नॉलेज नेटवर्क का हब बन गया है। लक्ष्य सिर्फ जेंटलमैन कैडेट्स तैयार करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा अफसर जो हर विपरीत परिस्थितियों में दुश्मनों का मुकाबला टेक्निकल ऑप्टिमाइज कर चुनौतियाँ देने वाला बनाना है। मैं लेफ्टिनेंट विशांत कुमार सिंह, मैं सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल देहरादून से की है। मेरे पापा ने 15 मार रेजिमेंट में 24 साल सर्विस किया है। अभी 2 साल पहले इन्होंने रिटायरमेंट ली। कैसा लगा आपने आर्मी में आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। पाटिल, मैं सातारा महाराष्ट्र से हूँ। मैंने यहाँ पे 1 वर्ष के पहले ट्रेनिंग कंप्लीट की, फिर मैंने 3 वर्ष की ट्रेनिंग CWCA में कंप्लीट की है। अब मेरी टोटल 4 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद मैं यहाँ पे गोल्ड मेडल हूँ और आज लेफ्टिनेंट बन चुका हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत गोल्ड मेडल मिला। हाँ, मुझे यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। कैसा फील हो रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ कोर्ट के साथ पास आउट होना ही बहुत बड़ी बात है। गोल्ड मेडल तो एक अपने आप में अचीवमेंट है, लेकिन मेन तो ये मेरा जो कोर्स है, हम लोग सारे एक साथ लेफ्टिनेंट बन रहे हैं, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। आपने आर्मी क्यों चुना? आर्मी मेरे पापा रिटायर्ड आर्मी से, मैं बचपन से ही सपना था कि आर्मी में ज्वाइन करूँ और उसकी तरह सब करूँ। आप अपने जैसे यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे आर्मी में आने के लिए? मैं तो यही कहूँगा, आर्मी बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। प्रोफेशन ज़्यादा ये ज़िंदगी जीने का तरीका है। जिनको कुछ ज़िंदगी में नॉर्मल ना करना हो या फिर कुछ अच्छा करना हो, अंदर से अगर बहुत फीलिंग से आती हो कि नहीं आज बैठे नहीं रहना या फिर देश के लिए कुछ करना है, तो मैं चाहता हूँ कि सब ज्वाइन करें आर्मी। I'm from Sri Lanka and I had training in OTA and it was wonderful experience for me to train here. अच्छे जीवन और समाज का सबसे संपूर्ण जो हम अपने त्याग बलिदान और कर्तव्य प्रांता का प्रतिष्ठा रखते हैं, ये सेना ही हमें सिखाती है। ऑफिसर्स प्रशिक्षण एकेडमी गया देश का तीसरा सबसे एडवांस प्री कमीशन प्रशिक्षण एकेडमी है। इस बार 64 कैडेट्स अंतिम परेड कर भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। ये कैडेट्स कमीशन प्राप्त कर सेना के अफसर बन गए हैं। इनका ओटीए के लिए अंतिम पग है, पर इन अफसरों की चुनौतियां और भी हैं। ये हर मुश्किलों व विषम परिस्थितियों में दुश्मनों को करारा जवाब देकर विश्व को भारतीय सैन्य का ताकत का एहसास कराना है। वर्ष 2011 में ओटीए गया की शुरुआत हुई थी। पहला बैच 2015 में पास आउट होकर निकला था। 2015 से अब तक कुल 2661 कैडेट्स पास आउट हो चुके हैं। इनमें 1971 TES के हैं, 102 मित्र राष्ट्र के हैं, जिनमें 71 भूटान, 17 वियतनाम, 12 श्रीलंका व 2 म्यांमार के हैं। देशवा न्यूज़ के लिए गया से सुभाष।